हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इट माई यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड टेल्थ गुजरात बोर्ड सोशल साइंस चैप्टर नंबर फोर दैट इज रूटरी हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द लास्ट एंड रिमेनिंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड दैट इज वल बी राइट वल भी गाइज गुजरात में एक बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर रहा सेवेंथ सेंचुरी के दौरान एंड बहुत सारे कंटेम्प्ररी रूर ऑफ वंस डायनेस्टी वंश डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स ने और पीपल जो कि आजू बाजू गुजरात में रहते थे उन्होंने वल्बी को बहुत ही बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाने में एक खूब खूब ही ज़्यादा योगदान दिया हुआ है ठीक है <coughs> विद्याधाम या वल्लभ विद्यानगर के तौर पर जाने जाने वाला वल्बी वॉज द सेंटर ऑफ इंडियन कंट्र वो बुद्धिस्ट जो पूरा धर्म है बुद्धिज्म जो है उसके हिन्यान कल्ट का जो है वो एक फेमस सेंटर था स्टडी के लिए सातवीं शताब्दी के बीच बीच में मध्य में बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक स्थिन और गुणमती वे आर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्थिरमति और गुणमति कौन सी आ, हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो आपका आंसर होना चाहिए वल यहाँ से और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्थिरमती और गुणमति कौन से रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे बुद्धिज्म के साथ ठीक है गंगा यमुना वाले प्रदेश के प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थियाँ हैं वो भी हमारे यहाँ पे वलभी विद्यापीठ में बढ़ पढ़ने आते थे इसके साथ साथ चाइनीज़ ट्रैवलर इत् सिंह चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह ने भी वलभी विद्यापीठ का अपनी नोटबुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गैस यहाँ पे हम लोगों ने तीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तीन चाइनीज ट्रैवलर्स पढ़े सबसे पहला हमारा वलभी के साथ इत सिंह जुड़े हुए हैं मैं ऊपर आपको बता दूँ हमारी ये जो नैली नाल नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसके साथ फाहियान जुड़े हुए हैं और हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जो ह्यू एन सेंग जो है वो जुड़े हुए हैं ठीक है थीके तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने पड़ेंगे और इसी क्रम में कि भाई सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यू सेंग आए थे फाहियान आए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में और चाइनीस ट्रैवलर इत सिंह आए थे वलभी विद्यापीठ में ठीक है उसके बाद वलभी एक कैपिटल था और इंटरनेशनल पोर्ट था ड्यूरिंग द दे मैत्रक डायनेस्टी मैत्रक डायनेस्टी का कैपिटल सिटी भी वल्भी ही था गाइस ठीक है और अगर बात की जाए कि मैत्रकों ने वल्बी को कैसे डेवलप किया तो मैत्रकों ने वल्बी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया बहुत सारी चैरिटी करवाई बहुत सारे वर्ल्ड में इसको फेमस किया इवन इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी फेमस किया और इसे एक बहुत ही बड़ा सेंटर बनाया हमारे एजुकेशन के रिगार्डिंग ठीक है एक बात ये जानने आवश्यक है कि वलभी के जो भी शासक थे वो मैत्रक डायनेस्टी के शासक वो हिंदू थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे फिर भी उन्होंने एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को इतना प्रमोट किया ठीक है अराउंड सेवन सेवेंटी फाइव ए डी मतलब सात सौ पचहत्तर में अरेबियंस ने मैत्रकों पर आक्रमण किया और मेत्रकों की हार हो गई वो हार गए और तब से लेके आज तक मतलब जैसे ही उनकी हार हुई ये जो वल्बी यूनिवर्सिटी है उनका भी उसका भी पतन हुआ ठीक है और ऐसा कहा जाता है कि वलभी विद्यापीठ के जो भी उसका पूरा गेट है उस गेट के ऊपर यहाँ के स्कॉलर्स का नाम लिखा हुआ है वो स्कॉलर्स जिनको अपनी बुद्धि प्रतिभाएँ दिखाकर राज्य शासन में ठीक है पॉलिटिकल साइंस में और इवन गवर्नमेंट में भी बहुत ही ऊंची पदवी मिली थी राज्यसभा में ठीक है नॉलेज वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन मेड द यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड यूज टू कम हियर फॉर एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि भारत के ही नहीं फॉरेन के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए ठीक है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अगर किसी की बात की जाए तो वल भी एक रियल सेंस में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी क्योंकि इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते थे जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते ऐसी ऐसी ब्रांचेस एजुकेशन की यहाँ पे थी जिसको पढ़ने लोग फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे आते थे ठीक है मेंटेनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी इज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स एंड द लैंड जो भी बड़े बड़े लैंड थे राजा महाराजा होते थे उन जिनके पुत्र यहाँ पे पढ़ा करते थे वो इस वलभी यूनिवर्सिटी को चैरिटी दी जा दिया, दिया करते थे और उसी से इस यूनिवर्सिटी का जो भी पूरा मेंटेनेंस था वो रहता था और अगर बात की जाए कि लॉयल्टी की लोगों के लॉयल्टी की और इस यूनिवर्सिटी की लोगों के प्रति लॉयल्टी की तो वो बहुत ही बढ़िया मात्रा में आपको देखने को मिलेगी ठीक है लोगों ने भी इस यूनिवर्सिटी को फेमस करने में इट, आ, बहुत सारा योगदान दिया साथ साथ लोगों के जो भी आशाएं थी अपेक्षाएं थी उस इस इस यूनिवर्सिटी ने उस आशा अपेक्षाओं को पूरी करके वास्तविक तौर पर इसे एक एजुकेशन हब बनाया और उसे खुद ने खुद ने अपने आप को एक एजुकेशन सेंटर की तरह स्थापित किया और इसी वजह से इंडिया का जो एजुकेशन है भारत की जो विद्या है उसको सीखने के लिए लोग यहाँ पे आते थे और इसी वजह से हमारी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो नालंदा हो तक्षशिला हो वाराणसी हो या वल्लभी हो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही फेमस रही बहुत ही उम्दा तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत एक रिच हेरिटेज वाला कंट्री है और यही उसका रियल हमारा जो हेरिटेज है वो ये है राइट right? कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी पावरफुल थी आज आप लोगों ने सुना होगा कि यार हमारी एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो हो गई है लेकिन वो जो एजुकेशन सिस्टम पहले के टाइम पे थी वो अगर आज हम लोग एडोप्ट कर ले तो हो सकता है इंडिया वापस से एक सुपर पावर बन जाए ठीक है इंडिया में वापस से इतने ग्रेट फिलोसोफर्स इतने ग्रेट साइंटिस्ट इतने ग्रेट मैथमेटिशियंस पैदा होना शुरू हो जाए ठीक है गैस? तो ये था हमारी वलभी विद्यापीठ के लिए इंट्रोडक्शन और यहाँ पे हमारा चैप्टर फोर भी खत्म होता है नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर गाइस इस वल्बी विद्यापीठ के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन पीडीएफ और वीडियोस आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मिलता हूँ मैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ और तब तक के लिए जय हिंद